ये देखा ट्राउट, माउंटेन ट्राउट। अचानक से चुप गया हाथ में, मैं देखा आप इतना जोर का पेन है, बाप रे पूछो ही मत। तो अभी अंगाली में तो उसके लिए हवा जैसे मैं जा रहा हूँ। अरे बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हाँ। तो गुड मॉर्निंग सभी को फ्रेंड्स, अभी हम सीधा यार का घर पे जा रहे हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज का वीडियो। बाय द वे आज रिवर फिशिंग करने जाएगा, पता नहीं वो यार बोल रहा था कि उस दिन से दूर पहाड़ों पे एक नदी है उसमें जाएगा फिशिंग करने। थोड़ा बहुत कैसा कैसा हो गया होगा बोल रहा था, वो भी काफ़ी समय हो गया होगा विजिट किया हुआ। एंड हम तो फर्स्ट टाइम होगा वहाँ पे। यार सीधा अभी घर से निकल के यार का घर की ओर बढ़ रहे। आज मौसम भी सही है, सो टाइमिंग भी परफेक्ट है। सो अभी यहाँ का घर पे चलिए, चलते हैं नीचे पे मिलाते हैं, क्या क्या वो लोग बोलेगा एक बार वो लोग का राय भी पूछ लेते हैं। हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे है, अरे बालूनी, ये है बालूनी, बालूनी का बच्चा पाँव में ऐसा भाग भाग क्या रहे। गुड मॉर्निंग सभी को, यहाँ पे मोयंग वगैरह है, वो यहाँ पे याई नो दो, वहाँ पे है आज का मास्टर माइंड याई जो हम लोगों को लेके जाएगा, नेविगेट करेगा। अरे क्या यहाँ में, ओ यहाँ में खाना वाना खाना वगैरह बांधेगा ना। ओ बढ़िया, ओ हाँ फ्रेंड्स अभी निकल रहे यहाँ पे मोयंग। हाय बाय बोल दाम बाय सभी का हाय हमको बाय। तो ऊपर में याय और याय न्योता दोनों जा रहे हैं और मौसम का हम लोग अंदाज़ा लगा के बैठ रहा था, बारिश गिरेगा ना क्या होगा बोल के कन्फ्यूज लगा के बैठे। कल का दिन तो बहुत ज़्यादा धूप था, यहाँ पे पूरा चमक रहा था धूप से, और आज पूरा बादल से ढका हुआ आसमान। उम्मीद तो करता है ये बात में बस बारिश ना गिरे, क्योंकि बारिश गिरने से जहाँ पे जा रहे हैं वो जगह बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो जगह जहाँ पे जा रहे हैं वैसे बोल रहा था यही लोग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भले धूप हो लेकिन वो जगह में थोड़ा शेडो शेडो होके रहते हैं बोल रहा था, और बारिश ज़्यादातर वहाँ में होता ही है बोल रहा था वो जगह में। तो देखते हैं, और सुंदर है बोल रहा था वो जगह, तो देखते हैं कितना सुंदर है और कैसा कैसा रहेगा। वहाँ पे सीनियर दोनों आज हम लोगों को एडवेंचर कराएगा दूर पहाड़ों पर, बस बारिश बीच में गड़बड़ ना कर दे। अरे अंडर चो चो, ये देखो ये आने के लिए गाड़ी से भागना पड़े। कहाँ जाएगा वहाँ में, उतना दूर नहीं सीखी है तुम, झोंक ही गया है वो जगह ना झोंक। अच्छा अच्छा धापू में, ये देखो यहाँ और हम ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे यही जो आग जला के रखा है, और अपना गाड़ी यहाँ पे है यहाँ और मेरा लिक्विड यहाँ पे, और ऊपर पे देखो मौसम यहाँ का कैसे है, ये पहाड़ का। यहाँ से आगे तक रास्ता ख़राब है, तो यहाँ पे हम गाड़ी को रख देगा और पैदल यहाँ से सीधा नदी की ओर बढ़ेगा आगे पे। और यहाँ से भाई साहब नीचे का नज़ारा देख सकते हो, पंकांग का खेती आई थिंक, सुंदर है पानी खेती है वहाँ पे, दूर पहाड़ है पूरा क्लाउडी क्लाउडी आज मौसम। चलिए यार अभी अभी एक बर्ड्स मरा है गेटी से, लेट्स फाइंड आउट, ढूंढते हैं। देखो भाई साहब जंगलों का अंधार भी पूरा यहाँ पे पूरी मरा रे पच्चम कई। वाह ये देखो यहाँ पे लगा इसको, नाइस शॉट, आज लंच होगा इसको यहाँ पे। ये लोकल ट्रेडिशनल स्टाइल है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए था, वैसे तो बार बार इस तरह का एक्टिविटी नहीं करते। और हाँ फ्रेंड्स ये देखो ये जो लकड़ी देख रहे हैं सूखा सूखा ना, सूखा नहीं ये बोल रहा था यही लोग हम पूछे, तो ये बस इसी तरह का कोई प्रजाति का पेड़ है बोल रहा था, जो कि बहुत महंगा ही बोल रहा था, जो कि तख्ता वगैरह काट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बोल रहे, समय पे ये भी पत्ता वगैरह निकल जाता है बोल रहा था। आगे भी आए और यहाँ तो दोनों
बातें कर करके जा रहे हैं देख देख के नज़ारा को। और ये देखो ये रहा बड़ा सा पेड़ है, बाप रे। ये देखो यहाँ से कोई लकड़ी कुंडा काट के ले ही है, इतना बड़ा लकड़ी ये कैमरा में इतना बड़ा नहीं लग सकते, बट बहुत ज़्यादा बड़ा है लकड़ी इसका अंदर से होके हम जा रहे हैं। बाप रे काफ़ी बड़ा है। और हाँ फ्रेंड्स अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखा रहा है यार, ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यही जो सर अरुण ये बोल रहा है, यही बताओ ना एक बात थोड़ा। हाँ अरे बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, नहीं समझ रहा होगा कई लोग इसमें से ना, समर में मीट समर जब होते है हवा निकलते बोलते हैं ये पत्थर का नीचे से। एंड ये देखो ये जो पत्थर होते हैं ना इसमें हवा खा के बैठ जाता बोलते हैं ये लोग। ये देखो ये जो इस तरह का कचरा वगैरह नहीं पीला नहीं कोई बैठने से भी गलत है। ये देखो यहाँ पे लाइन से बैठा गया कोई हवा खा के। और चलिए समर में भी एक और बार आके देख लेगा यहाँ पे सच में हवा निकलते नहीं क्या होते। अच्छा ये अंदर में कोई पानी का वो स्रोत है ना, कोई पानी का अंदर से पानी का स्रोत है तो पानी का जब प्रेशर से ये हवा जैसे निकालते कुछ बोल रहे हैं अंदर से पानी बह रहा होगा शायद। वाह इंटरेस्टिंग, इससे कहते हैं यहाँ पे लोकली असर आरुंग यानी कि मेन एरिया का नाम याम है ना। लेकिन ये पार्टिकुलर ये जगह का असर आरुंग ना, और ये जो एग्जैक्ट जगह इसको असर आरुंग बोलते हैं यानी कि हवा का छेद जैसे हवा निकलते जो छेद से। वाह ये शायद इस तरह का यहाँ पे एक लोता होगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर देना, इस तरह का चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग आप लोगों को दिखाते रहेगा हम। वाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समर में भी कभी दिन जरूर आप लोगों को दिखाएगा इसका नज़ारा हवा एग्जैक्ट कैसा निकलता है। चलिए अभी आगे बढ़ते। हाँ फ्रेंड्स वो देखो मेरा कैमरा इतना क्लियर नहीं, वो जो पहाड़ देख रहे हैं सफ़ेद करके चमक रहे हैं उसमें जो लोकल यहाँ का कबूतर होता है वो वहाँ पे मिट्टी को खाने आते हैं। वो भी कबूतर भी कोई कोई जगह होता है जहाँ पे खाया जाता है मिट्टी, वो मिट्टी है वो मिट्टी को यहाँ का जो लोकल कबूतर है जंगली इसको खाया जाता है बोल रहे हैं जो। और ये रहा भाई साहब नीचे पे हम लोग जाना है, वो देखो वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद करके पानी दिख रहा है यहाँ से वहाँ पे यहाँ लोग निकलेगा, लेकिन रास्ता भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है सीधा यहाँ से गिरा बोलने से नीचे खाई पे। बी केयरफुल केयरफुल, वही तो ना हम लोग आज का मंजिल। बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग, वाओ ये जगह का सुंदरता को देखो, पूरा पहाड़ है दूर दूर तक तो पूरा पहाड़ जंगल है घना, और नीचे पे है पानी पानी सीधा ऊपर काफ़ी दूर से आ रहा है पानी बह के, और यहाँ पे है फ्रेश फ्रेश यहाँ का लोकल फिश है बोल रहे हैं यहाँ पे तरह तरह का। चलिए देखते हैं जाके क्या क्या फिश होता भी कि नहीं अभी, चलिए संभाल के चलते हैं अपन। और यहाँ पे यह बात हो रहा है कि जो जंगल में मैथुन होता है शुरू बोलते हैं मैथुन ही जैसा होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है उसमें थोड़ा देखने में, गाय और मैथुन का मिश्रण होता है बेसिकली। यहाँ पे घूमता है बोल रहा है ये चट्टान में से आना जाना करते है बोल रहा था, इंटरेस्टिंग। ओ भाई यहाँ भी आगे से रास्ता नहीं है, सीधा यहाँ से नामना पड़ेगा पहाड़ से। कहाँ से आया गया कैमरा में इतना नहीं लग सकता ये जगह खतरनाक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पत्थर गिरा तो सीधे सामने वाला को इंजर्ड, संभाल संभाल के कदम बढ़ाना पड़ेगा अपने को क्योंकि पत्थर है और पत्थर भी ऐसा लगे डायरेक्ट नीचे तक लुढ़क के जाने लगा पत्थर लगे। घना जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे, पानी का आवाज भी करीब पहुंचते जा रहे। यहाँ पे नदी का जैसे ऊपर पे लोकल डांग दिख गया फिशिंग रॉड, जंगली जो झाड़ू होते हैं उसका उसी से करेगा। पानी को देंगे तो मछलियाँ होना चाहिए लग रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मछली यहाँ में नहीं होगा, बड़ा मछली सियांग रिवर में होता है जहाँ में हम जाते हैं। पत्ता को छीनना
तो ये रहा यहाँ पे है नदी, बिल्कुल फ्रेश पानी है ये, काफी सारा मछलियाँ होता होगा शायद से। वाह बहुत ज़रा ठंडा है ये एरिया। कुछ महीना पहले यहाँ में बहुत फ्लड आया था बारिश से, दस ये और साफ हो गया, नहीं तो ये पहले जंगल से बस बह के जाता था बोल रहे यही लोग। थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा है अक्सर ये एरिया में, तो बारिश ही गिरते बोलते हैं। ऊपर दूर पहाड़ों से आया जाता है ये पानी। नदी का नाम सिरन्यूप है वैसे, जहाँ पे सियांग रिवर पे कनेक्ट होता है ये पानी भी, नीचे पे जाके और नीचे पे जहाँ पे कनेक्शन होता है इसका पानी का लेवल भी यहाँ पे जैसे ऐसा नहीं रहता है, बढ़ जाता है पानी जब यहाँ पे, बस दूर ही बोल के थोड़ा छोटा है पानी। ये देखो यहाँ पे हम रुक गए, ये जो इलाका है यहाँ पे आधा आधा किसी का ही बोल रहा है, यहाँ से लेके दूसरा का ही बोल रहा है आधा, एंड यहाँ से लेके यही का ही बोल रहा है यही लोग का। और ये यहाँ पे है टर्माइट्स का, ये बच्चा लोग, ये है मेरा आज का फिशिंग बेट्स, मछलियों का चारा, ये इसको चारा बनाएगा। तो ये देखो फाइनली एक केस कर ही लिया गया, एक ट्राउट फिश है, माउंटेन ट्राउट फिश है ये देखो, इसमें स्पॉट्स है, ब्लैक है यहाँ का वाला अलग है क्योंकि दूर पहाड़ का है, छोटा वाला है लेकिन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, आगे में उम्मीद करता है ये और मिल जाए तो निकाल लेगा। अलग होता है दूर पहाड़ का मछली, सियांग रिवर का थोड़ा सफ़ेद करके होता है ये, डार्क ब्लैक है। और भी होगा अंदर पे, ये देखो यहाँ पे है ये सब्जी है ये लोग, और ये देखो यहाँ पे भी सब्जी है, क्या क्या सब्जी आज देखने को मिले। हम भी एक्चुअली पता नहीं था इसको खाते हैं नहीं खाते, खाते ही बोल रहे लेकिन यही तो एक्सपर्ट के मुताबिक बाद में हम लोग खाया जाएगा इसको। ये देखो ये चीज़ बेची जाए खाने लायक है, मछली जब हम पकड़े इसको काम ही होता खट्टा है, तरह ताजा महसूस कर रहे थे खाने के बाद। पस्ता नानुंग कीबुंग इसका लोकल नेम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको बाकी में। ये वाला फ्रेंड्स ये जो पत्ता देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अभी अभी मेरे हाथ में चुक गया है, यहाँ पे जोर का पेन हो रहा है, वहाँ पर अचानक से चुक गया हाथ में, नहीं दिखा आप इतना जोर का पेन है, बाप रे पूछो ही मत, देखने में ऐसा है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हाथ में इतना सा पार्ट में लगा है, अभी ये काफ़ी हफ्तों तक निशान पड़ जाएगा यहाँ पे, देखते रहो दिखाएगा एकदम दर्द दे रहे हाथ। ये देखो भाई मछलियाँ तो नहीं मिले लेकिन ये मोरों के पट्टा अपने को काट गया बहुत बुरी तरीके से यार, देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन इसे छुएगा ना भाई साहब आपको हफ्तों तक प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे फजी ये भी खतरनाक है, बट ये वाला उतना खतरनाक नहीं जितना ये वाला है, ये वाला ज़्यादा खतरनाक है मोरों के, हाथों में असर दिखने लग रहा है, गुटी गुटी निकल रहे, स्पॉट्स दिख रहे,
अभी हफ्तों तक निशान पड़ जाएगा मेरे हाथ में। ये भी खतरनाक, इतना खतरनाक नहीं है। ये भजी है, ये सब्जी है, सब्जी के लिए इसको खाते हैं, बट ये वाला वो सब्जी के लिए नहीं खाता यहाँ पे। और हाँ, ये वो जो पत्ता है इसको लड़ूक बोलते हैं यहाँ पे, शायद लोकल लैंग्वेज में। ओ वो ज़्यादा दर्द दे रहा है, यहाँ से उठना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे अभी सब्जी पकेगा, बहुत भूख लग जाता था, बिस्किट्स वगैरह थोड़ा बहुत खाया है सभी। मछलियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, ये पत्ता सब्जी खाना पड़ेगा, यही है बस आज का। ये देखो ट्राउट, माउंटेन ट्राउट, बस दो ही मिला, ये इसको ही कहेगा। मछलियाँ था होगा शायद, कुछ लोग पकड़ लिया बोल रहे, बात हो रही थी। तो हम लोग मछली अपनी पकड़ने के बाद यहाँ पे आया। जो पहले काटा गया था मोरंगी पत्ता, लड़िक बोलते जैसे कि उसको यहाँ का लोकल भाषा में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरा लेफ्ट साइड का हाथ का बदन पूरा सूज गया, चक्कर लग रहा है अभी, सही में लेटने का मन लग रहा है। ऊपर से ये दुआ इतने में ऐसे नॉर्मल से, बट सच में मेरा पूरा लेफ्ट हार्ट का पूरा बदन सूज गया, बहुत पेन हो रहा है। बस ये एक दो मछली मिला वाला को हम लोग खाना पड़ेगा आज, कोई नहीं। ये है लंच, अब आलू भोजे में नक्का, आलू भोजे में सब्जी पका रहे आज का, जो यहाँ से मिला है नदी से, पक जाएगा 15-20 मिनट के अंदर। सब्जी पक गया यहाँ पे है, ये जो सब्जी पका रहा था उसका नाम है उमेद अंके, पत्ता सोड है, दैट्स व्हाई बाढ़ मिल बाट के खाना पड़ेगा। उमेद अंके सब्जी, वाह लोकल सब्जी। सब्जी लेके जा रहा है घर। अभी वापस घर की ओर बढ़ रहा है, एंड जो पहले काटा गया था लिटरली, वापस ड्राइविंग कर पाया कि नहीं कोई सोच सोच के जाए। हाथ जोर का पेन हो गया, सूज गया पूरा लेफ्ट हाथ यहाँ तक। एंड आप लोग कोई गांव से देख रहे हो आप लोग, वहाँ पे भी हो सकते हैं क्या, पुलिस उससे बच के रहो हमेशा, अदरवाइज इतना आपको सामना करना पड़ेगा पेन का, भाई पूछिएगा मत। पूरा पेन हो रहा है लेफ्ट साइड का ये बदन, ये कई हफ्ता तक ऐसे पेन होगा बोल रहा था, और पानी भिजाने के बाद और भी दर्द होते हैं वो, भाई सुन के हालत ख़राब हो गया मेरा। मिथुन मिथुन यहाँ पे देखो, बच्चा ले, ये मदर लग रहा है पीछे में बच्चा। हम उठ ही चुका है जहाँ से हम आया था, ये देखो नीचे तक पहुँच गए, ये पानी सीधा सियांग रिवर में ज्वाइन होते हैं जहाँ से हम मछली मारने जाते हैं, और अभी घर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है हम लोग। तो अभी हम लोग निकल चुका है, एंड जहाँ पे हम लोग फिर गाड़ी रखा था वो एरिया में पहुँच चुके, कपड़ा वकड़ा वपड़ा वगैरह चेंज वेंज कर रहे वापस से, क्योंकि अभी वापस घर जाएगा यहाँ से होके, घर यहाँ से होके वो पहाड़ का पीछे पे दूर काफ़ी समय लग जाएगा। तो हाँ अभी अपन घर पहुँच चुका है, याय और याय न्योदो दोनों ऊपर पे घर चला गया वो दोनों भी, और अभी हम घर पहुंच चुके हैं। आज मौसम थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी था, बारिश नहीं गिरा है सही था, इसके बाद मेरा जो लड़क पीले काटा था बहुत ज़्यादा पेन है, यहाँ तक पेन आ रहा है, हालांकि काटा यहाँ पे था ये तो ठीक हो गया है, बट यहाँ पे पेन हो रहा है मेरा आर्म्स लेफ्ट साइड में, बहुत जोर का पेन। उसके बाद कुतू, ये देखो आते ही कुतू वेलकम कर रहे हैं हमको, आए एकदम बोरिंग लग रहा था, अकेला भी रहता है, इधर
कनक है ना चल मर गए। तो हाँ वैसे यहाँ तक था आज का हम लोगों का सफ़र। आप लोगों को दिखाया लेकिन मछली नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, जगह को देखा है उसमें नेक्स्ट टाइम जाएगा वापस से जब पानी वगैरह सही होगा। जगह को देखने गया था ये भी, जैसे कि बहुत सालों बाद देखने गया बोल रहा था, हम तो फर्स्ट टाइम गए। नेक्स्ट टाइम वापस हम लोग उसमें जाएगा, मछलियाँ ढेर सारा पकड़ेगा उस टाइम, होपफुली मिले तब। वैसे हाँ अभी ब्लॉग इतना ही था आज के लिए, ब्रदर भी कल वापस आ जाएगा होगा घर पे, एंड आने वाला नेक्स्ट ब्लॉग में ब्रदर को भी देखने मिलेगा आप लोग। तो हाँ वीडियो को अभी तक देख रहे तो शुक्रिया सभी को, वन सेकेंड लाइक कर देना, एंड चलिए अभी नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग में मिलते हैं फिर। सभी को गुड नाइट, आज के लिए टाटा, जय हिंद जय भारत।